दोस्तों, अभी हम महादेव माटा फॉल में आ चुके हैं। क्या नजारा है स्टार्टिंग में, सीन क्या है महादेव को पहाड़ियों का? पहले तो हम लोग बोलेंगे हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों रोहतासगढ़ किला की पूरी यात्रा करने के बाद अब हम महादेव खोह की यात्रा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है। ऐसा लगता है मानो शिव जी की जटाओं से वहाँ पानी गिर रहा हो। और महादेव खोह जाने के लिए आप रोहतासगढ़ किला से जा सकते हैं। आपको फांसी घर से, मेरे पीछे आप देख रहे हैं नदी और वाटरफॉल, उसको पार करके आपको सिकड़िया घाट आना है और सिकड़िया घाट से नीचे उतरना है, आप बोलिया चले जाएंगे। आप अकबरपुर से भी ऑटो पकड़ कर बोलिया आ सकते हैं और रोहतासगढ़ किला से भी आप बोलिया जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ रोहतासगढ़ किला से सिकड़िया घाट से नीचे होते हुए पूरा लोकेशन आपको बताएंगे, कैसे आपको महादेव खोह जाना है और महादेव खोह का वाटरफॉल पहली बार आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और वाटरफॉल से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो पड़ता है सिकड़िया घाट। अभी हम नीचे उतरेंगे सिकड़िया घाट से। दोस्तों ऊपर पहाड़ से 2 किलोमीटर उतरकर नीचे आ चुके हैं और एक ही सांस में आ गए हैं बिना कहीं रेस्ट किए हुए। और बोलिया जाने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा और बोलिया से फिर जो है महादेव को जाना पड़ेगा। ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ से हम यहाँ पर आए हैं उतर करके। दोस्तों अब हम रोहतासगढ़ से सिकड़िया घाट होते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चल करके आ चुके हैं बोलिया, और बोलिया से 3 किलोमीटर दूर है महादेव खोह। हालांकि ऑटो मिलता नहीं है हमेशा, और अगर आप अकबरपुर से आते हैं तो अकबरपुर से 7 किलोमीटर बोलिया पड़ता है। अकबरपुर से टोटल दूरी 10 किलोमीटर है। तो हम चौमुहानी पर अभी हैं और ये ऑटो जो है, ये जो रास्ता है अकबरपुर चला जाता है, और यहाँ से लेफ्ट साइड ये जो रोड है ये महादेव खोह चला जाएगा। तो चलिए यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अभी दोस्तों बाइक मिल गया है, थोड़ा दूरी आगे हमें छोड़ देंगे। अब बोलिया से महादेव खोह जाने के लिए जो नौहट्टा रोड चला जाएगा जी, रोड तो बहुत टूटा फूटा है। बहुत टूटा फूटा है सर, आज के नहीं ऊपर तो 40 बरस पहले ये रोड बना हुआ था। हा? अब इस पर सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 50 समझ जाइए सर, 40 साल हो गया जी, 40 साल से ऊपर रोड को बना हुआ हो गया, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। ये तो नीतीश कुमार तो पूरा चकाचक रोड हर जगह बना रहे हैं, हाईवे फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो सर देख रहे हैं आप, तो खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो रोड में लग रहा है कि गड्ढा में ही रोड है, गड्ढा में ही रोड है। आदमी के आने जाने जहाँ 1 घंटा में आदमी के पहुँचना है वहाँ 3 घंटा लगता है सर। तो आप लोग को अगर नौहट्टा जाना हो कैसे जाते हैं? नौहट्टा जाना पड़ता है तो अपना यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी जानते हैं देवीपुर, देवीपुर से वहाँ गाड़ी धरते हैं तब हम लोग नौहट्टा जाते हैं। बस इधर से नहीं जाते हैं? नहीं, इधर से बस नहीं जाती, रोड खराब होने के चलते। और महादेव खो जाने का रास्ता? महादेव यहीं से सर चला जाएगा, ये उदयपुर गाँव है, यहीं से रास्ता कट गया। ये वाला रास्ता है जी, यही रास्ता। रोड भी नहीं, महादेव खो जाने रोड भी नहीं है सर, क्या कीजिएगा। आदमी आते जाते हैं यहाँ पर, बहुत तकलीफ के साथ वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों ये बिहार के लिए कि बोलिया से नौहट्टा के लिए जो रोड है, जो महादेव खोह को जाता है, वो रोड टूटा फूटा है, 40 साल से रोड ही नहीं बना है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बिहार को बड़ी तरक्की के मार्ग पर ले जा रहे हैं, रोड हर जगह बना रहे हैं, यहाँ रोड ही नहीं बन रहा है। और महादेव खोह इतना महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये देखिए ये वाला रोड है, पहले यहाँ पर फैक्ट्री चलता था उसी का ये रोड है। और थोड़े ही देर में महादेव को हम पहुंचने वाले हैं। और अगर आप गाड़ी से आते हैं, ऑटो से आते हैं, अपने 4-व्हीलर से या बाइक से, तो यहीं पर आपको गाड़ी खड़ी करनी है, पार्किंग यही है। पार्किंग के लिए क्या क्या चार्जेज है बाइक 2-व्हीलर का? 2-व्हीलर का 10 है, 10 रुपया। 4-व्हीलर? 4-व्हीलर का 30 रुपया। 30 रुपया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और ये देखिए आप लोग घूम लिए वाटरफॉल?
नहीं, जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं, तो सौभाग्यशाली है कि आप लोग साथ हम भी जा रहे हैं। अरे अच्छी बात है, चलिए चलिए, हम तो बहुत ज्यादा जरूरी है जाना, आप पसीना से नहा के हम लोग भी सौभाग्य जोड़ रहे हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी यहाँ पर आपको मिलेगा, गर्मा गर्म गर्मा गर्म, और यहाँ फ्री उधारी भी मिलता है। उधारी भी? हाँ बिल्कुल, आप अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी दीजिए, उधारी मिलता है। आधार कार्ड के पर क्या बात है, पड़ेगा क्या बात है, ये यहाँ का मतलब ये देखिए, ये इसको बोलते हैं टमाटर चाट। यहाँ पर आपको बकायदे चाट वगैरह हम चौमिन मिलेगा, समोसा मिलेगा, टमाटर चाट बोला जाए, टमाटर चाट है ना। हाँ, बिल्कुल टमाटर चाट के साथ साथ ये क्या है भैया, ये मतलब महादेव खो का सबसे बड़ा दुकान इसे कह सकते हैं। हाँ देखिए, शिवम मिष्ठान भंडार, रसगुल्ला भी है, वो क्या है भैया आपका, बिलग्रामी है, बिलग्रामी है ना, देखिए भैया वो बिलग्रामी। तो पूरा व्यवस्था आप भक्तों के लिए है, खाने का भी है? हाँ खाना पीना सब मिलेगा। खाने का प्लेट कैसे है? 50 रुपए थाली है। वाह क्या बात है। बगल में प्रदीप मिष्ठान भंडार है, अब गर्मा गर्म यहाँ पर जिलेबी आपको मिलेगा। यूट्यूब पर जी आपका लाइक करते हैं हम, अब लाइक करते हैं। कौन चैनल का नाम है? चैनल का नाम है लेकिन लाइक करते हैं भारत दर्शन ब्लॉग। महुआ धाम के भी है इसमें, महुआ धाम हैदराबाद रोहतास हैं। ये देखिए दोस्तों क्या नजारा है, स्टार्टिंग में सीन क्या है महादेव खो पहाड़ियों का, क्या कहने जाएंगे इस सीन को देख करके। पहले तो हम लोग बोलेंगे हर हर महादेव। ये लग रहा है कि ये महादेव जी का खो ही है। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव जी का लग महादेव से ही का खो ही। अक्सर आप देखते हो कि महादेव जी पर्वत पर ही विराजमान रहते हैं, और यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ लगता है कि पानी उनके जटा से गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए देखिए वहाँ पे कोना पे देखिए। अच्छा वहाँ तक हम लोग पहुँचना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तो हम लोग स्टार्ट है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा हमारी जर्नी शुरू होने वाली, शुरू होने वाली। यहाँ से कितना दूर है? और यहाँ से अभी चलेंगे तो 20 से 25 मिनट जो है ना वही है। और महादेव खो जाने के रास्ते में आपको एक नदी मिलेगा, और ये महादेव खो झरना का पानी इधर से आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर महादेव खो में पिकनिक मनाने के लिए भाई लोग आए हैं। कैसा रहा सेलिब्रेशन? बहुत ही बहुत महादेव का नगरी है। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देखे और हम पहुँचने वाले हैं महादेव वाटरफॉल, और स्टार्टिंग में ही आपको शौचालय मिलेगा। आपने रोहतास और कैमूर में बहुत सारे वाटरफॉल घूमे होंगे, और हर जगह गंदगी नजर आती है, लेकिन महादेव खो में आपको हर जगह साफ सफाई नजर आएगी, क्योंकि प्रतिदिन शाम को यहाँ पर सफाई होती है। ये देखे यहाँ पर महादेव खो में साफ सफाई का काम चल रहा है, और ये ऑफिस है जहाँ से पूरे महादेव खो का संचालन होता है, व्यवस्था यहाँ से होता है। बताइए सर, इतना खूबसूरत जगह कब एक्सप्लोर हुआ, कब से यहाँ पर आना शुरू हुए, और महादेव जी का यहाँ पर खो इसे क्यों कहा जाता है? शंकर भगवान का जो मंदिर है वो गुफा के अंदर है। आप अपना अगर वीडियो जब बना रहे हैं तो आप अंदर जब जाइएगा देखिएगा, तपस्थली के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल के नेक्स्ट मतलब जनरेशन के कारण जो है ये तपस्थली जो है शांति जो है वो धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। अच्छा, तो जिस तरह से और बहुत सारे रोहतास कैमूर में वाटरफॉल है, हर जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा ये बताइए कि हम इतना सक्षम थोड़ी ना है कि हमको सरकार से उपेक्षा करना होगा, हम इतना सक्षम है कि हम श्रद्धालु जो आएंगे जो आश्रम से जुड़े लोग हैं हम उनसे सहयोग लेकर भिक्षाटन करके हम आश्रम के लिए कुछ कर सकते हैं, और आश्रम में हम चाहे वो साल में 3 दिन भोजन हो मतलब भंडारा रक्षाबंधन हो गया, महाशिवरात्रि का दिन हो गया, कार्तिक पूर्णिमा होगा, हम लोगों से सहयोग मांग करके हम भंडारा तक करते हैं। अच्छा आप लोग पूरा व्यवस्था देखते हैं? जी हाँ हम लोग पूरा व्यवस्था देखते हैं। ओ! तो आप देख रहे हैं महादेव को, ऐसा लग रहा है मानो शिव के जटाओं से यहाँ पर पानी गिर रहा हो, गजब दृश्य है।
और ये देखिए महिलाओं के स्नान करने के लिए स्पेशल जगह है, यहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं। और पुरुषों के लिए वाला आगे वाला जगह है जहाँ पर डायरेक्ट वाटरफॉल गिर रहा है। वो क्या दृश्य है। और दोस्तों अभी हम महादेव को वाटरफॉल में आ चुके हैं और यहाँ एंजॉय करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। दोस्तों अभी हमने महादेव को वाटरफॉल में स्नान किया, एंजॉय किया, बहुत आनंद आया दोस्तों। जितनी थकावट थी सब छू मंतर हो गई। और ऊपर से पानी की जब फवारी गिरती थी पूरा चोट करती थी तो ऐसा लगता था कि आह्लाद से पूरा मन तन भर गया, जितने भी विकार हैं पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं ऐसा लग रहा था दोस्तों। और चलिए यहाँ पर महादेव खो में महादेव जी का दर्शन करते हैं। मंदिर में है आप? यस यूनिक। और ये देखिए पार्वती माता। बिल्कुल गुफा में है यहाँ पर बम भोले। मंदिर में है आप? यस यूनिक। हर महादेव। और ये देखिए पार्वती माता। बिल्कुल गुफा में है यहाँ पर बम भोले। हाँ ले लीजिए सामने से।